बारडा कस्बे में डीएपी के बाद अब यूरिया की किल्लत बनी हुई है। किसान खाद के लिए अल सुबह ही खरीद केंद्रों पर उमड़ रहे हैं। गांव धनासरी स्थित खाद भंडारण केंद्र पर किसानों की भीड़ उमड़ने पर सहकारी समिति के प्रबंधकों को पुलिस बुलानी पड़ी। इसके बाद भाड़ड़ा थाने में किसानों को यूरिया के लिए किसानों को टोकन बांटे गए। किसानों ने कृषि विभाग अधिकारियों पर खाद की सही तरीके व पर्याप्त खाद उपलब्ध नहीं करवाने के आरोप लगाए। किसान धर्मेंद्र, सुभाष चंद्र, संदीप, राजवीर, पूर्व सरपंच सुरेश धनासरी, प्रदीप आदि ने बताया कि गांव किशकिंदा धनासरी हंसावास के ग्रामीणों को खाद के लिए 10 किलोमीटर जाना पड़ रहा है। धनासरी खरीद बिक्री केंद्र में खाद नहीं मिलने से ये परेशानी बढ़ गई है। प्रत्येक किसान को 2 बैग यूरिया के वितरित किए जा रहे हैं। पूर्व सरपंच सुरेश धनासरी ने कहा कि एक तरफ सरकार किसानों को आय दोगुना करने की बात कह रही है, दूसरी तरफ किसानों को पिछले करीब 2 माह से अधिक समय से पुलिस थानों में खाद के लिए घंटों लाइनों में लगना पड़ रहा है। ना तो समय पर डीएपी मिली और अब यूरिया नहीं मिल रही है। थाना में करीब 9 बजे आया था और 6 बजे से मालेगांव में जो सोसाइटी है उसमें लगे हुए थे, खाद नहीं मिल रही, खाद के लिए बहुत परेशान है। इसलिए अभी भी माले सरकार से रिक्वेस्ट है कि भाई माले खाद की माले कृपा करें। बारडा थाने में जी परेशानी तो जी खूब है जी, घंटा 3-4 तो थाने में हो लिया और उससे पहले माले गांव के गोदाम पर खड़े थे। अब सरकार से यही मांग कर रहे हैं जी कि भाई जल्दी से जल्दी खाद की व्यवस्था करें। धनासरी स्थित सहकारी समिति खाद बीज केंद्र प्रबंधक विजय कुमार ने बताया कि 400 बैग यूरिया के पहुंचे हैं, खाद पहुंचते ही वितरण करवा दिया जाता है। दादरी से विजय कुमार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।